मॉकटेल कॉकटेल और लिकर को छोड़कर बाकी सब यू कैन हैव इट। सो बढ़िया 2 रुपए में यू कैन हैव अ प्लेंटी ऑफ थिंग, अदरवाइज बाहर जाके समोसा खाओगे तो वही 700 रुपए का है। तो यहाँ पर है एयर इंडिया का खाना, दिखने में तो एक नंबर लग रहा है। यू कैन सी छोले कुलचे, देखो मेरे घर के जस्ट सामने का सबसे प्यारा एरिया ये देखो, बारिश के टाइम भी इतना सुंदर लगता है ना ये। Flashback. So beautiful people, again now welcome back to my channel. ये मेरा vlog video है, after very long मैं कर रहा हूँ, और ये होगा मेरा केरला trip video का पहला episode. अभी तो दिल्ली में हूँ, अभी dress up नहीं हुआ हूँ, अभी निकलेंगे 12 बजे एयरपोर्ट पहुँचना वगैरह मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं and I don't know how to start it. So फिर यहीं से start करते हैं, me and my dad is going. So सबसे पहले हम होते हैं ready. 3, 2, 1. रेडी तो हो चुका हूँ मैं पूरा ऊपर से नीचे, हमारा सारा लगेज तैयार है, ये रहा एक बैग, वो रहे कई सारे अलग अलग बैग, सब कुछ रेडी है। आई विल मिस माई PC अ लॉट, माई प्ले बटन, माई लव, आई विल मिस माई मॉम एंड डैडी। चलो फिर सीधा टूवर्ड्स एयरपोर्ट, बट जाने से पहले थोड़ी सी आरती कर लेते हैं। फाइनली पहुँच तो चुके हैं भाई साहब, अपना सब कुछ चेक इन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, भीड़ तो है काफ़ी। बाई बाई लगेज, तुझे मैं केरला में मिलता हूँ। सिक्योरिटी चेक इन में तो अलग हालत खराब हुई है। फाइनली वी आर इन द एयरपोर्ट, बड़े बड़े लाउंज लाउंज दिख रहा है यहाँ पे, लाउंज ये पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं इजी। इट टुक मी प्लेंटी ऑफ टाइम टू लाइक लॉन्च चेक इन, बट 2 रुपए में आपको लॉन्च चेक इन मिल जाएगा एज यू कैन सी। सो दिस इज द एंटायर लॉन्च, जहाँ पे आप आके थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, बार है, खाने के लिए बफेट है, सब कुछ है। चलो इतनी खुशी वहाँ पे कहीं जाके बैठ के, चलो फिर ये ओ सीट मिली। एंड जब आप प्रिविलेज कार्ड से आते हो तो यू हैव ओनली 2 आवर एक्सेस। सो हैज यू कैन सी यहाँ पे पूरा एंटायर जितना भी खाना पीना है वहाँ पे, चाय टी और क्या बोलते हैं कॉफ़ी एरिया, वेज एंड नॉन वेज बोथ अवेलेबल है। जैसे कढ़ाई मुर्ग है यहाँ पर, वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद अलग अलग वेज में भी है चीज़ें, देयर इज पुलाव एंड मेनी सैलेड एंड ऑल। फिर उसके बाद आता है हमारा बेवरेज एरिया, मॉकटेल कॉकटेल और लिकर को छोड़कर बाकी सब यू कैन हैव इट। सो बढ़िया 2 रुपए में यू कैन हैव अ प्लेंटी ऑफ थिंग, अदरवाइज बाहर जाके समोसा खाओगे तो वही 700 रुपए का है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो फिर कुछ खा के देखते हैं। सो स्टार्ट ही करना है तो कुछ हेल्दी हो जाए, बट इट इज मिक्स। ओके थैंक यू। सुबह से आप जाके कुछ खाया यार, तो फिलहाल सीधा चलते हैं अपने स्ट्रीट फूड की तरफ, जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, बनाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द डेली स्टाइल चाट जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, यहाँ पे जितना भी चीज़ें थी सबको ऐड ऑन करके, यहाँ पे शेफ भी हो, 24/7 चलता है ये भाई। चलो इसे खा के देखते हैं पहले भाई, टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा है, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लाउंज एरिया के एक्सेस तो बहुत अच्छा, आस पास सराउंडिंग भी बढ़िया है। बोर्डिंग होने में टाइम ज़्यादा बाकी नहीं है तो मेन कोर्स भी खा ही लेते हैं, आज का स्पेशल जितना भी सब कुछ एक ही उठा के ले लेता हूँ। थोड़ी जगह चेंज कर ली, वहाँ की जगह हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा शूट करने में आसानी होगा। चपाती है, पुलाव है, चिकन करी है और थोड़ा सा पनीर है। खाना तो बहुत अच्छा मिला यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच बट डिसेंट है। 2 रुपये में आपको ये सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। नाइस भाई, यहाँ पे लॉन्च एक्सेस तो एक नंबर था, मज़ा आ गया। अब चलो अब निकलता हूँ, टाइम तो बहुत हो चुका है, आखिरी एक ग्लिम्स देख लो। चलो फिर लेट्स गो, थैंक यू। तो लॉन्च एरिया बाहर निकलती है, आपको पूरा एयरपोर्ट का लॉन अलग ही व्यू दिखेगा, और सामने देखो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स खड़े हुए हैं। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मशीन्स भी है और यहाँ पे इनका रिसेप्शन भी है। मशीन वर्क नहीं करता अच्छे से, बट रिसेप्शन में जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे आके आपको एलिजिबल कार्ड देना पड़ेगा, दैट इज़ HDFC, उधर उनके स्क्रीन में लिखा हुआ है एक्सिस बैंक और क्रेडिट डेबिट दोनों है, तो अलग अलग कार्ड्स पर वर्कआउट हो जाता है। मेरे क्रेडिट कार्ड पर नहीं हुआ बट मेरे डेबिट कार्ड पर हो गया HDFC से, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। 2 रुपये में पूरा लॉन्च एक्सेस एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट ब्रिवरेज एंड अल्कोहल। ये फूड कोर्ट जो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए हुए हैं, सिंपल है, फूड कोर्ट तो हर जगह ही होता है, तो ये फूड कोर्ट एरिया है। मेरा कार्ड वर्कआउट हो गया, तो 2 रुपये मैंने इतना कुछ किया,
और तूने मैकडॉनल्ड्स में जाकर कितना खर्चा किया? 800 रुपए खाया क्या? 2 मील जो कि 300 रुपए का बैठ जाएगा बाहर। भाई एयरपोर्ट का लगता है एक्सेंड है भाई, बहुत अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई साहब, इतना एक्सपेंसिव 800 रुपए उड़ाया है। अब गेट 29 से सीधा 33 पे आ गया। चल चलो, यहाँ पे बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है करेक्ट 4 बजे 4:30। ये देखो हमारी ब्यूटीफुल एरोप्लेन यहाँ पे खड़ा है, और मेरे को लगता है इसमें टीवी नहीं है। किस्मत से हमें हमारी विंडो सीट बहुत प्यारी मिली है, और यहाँ पर भी व्यू मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगी डबल डबल। ओह बाय कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके, ओह सो स्वीट, नो डाउट बाहर का व्यू उस टाइम बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे सूरज ढंग से दिख नहीं रहा, इट इज़ डैम। यहाँ पर है एयर इंडिया का खाना, दिखने में तो एक नंबर लग रहा है। यू कैन सी छोले कुलचे है, आलू ब्राउनी विद चॉकलेट सिरप एक्चुअली डेजर्ट, और यह नमकीन विद वाटर। ओह गॉड, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने फ्री फंड में। नहीं पे तो किया था, 9,000 रुपये की टिकट तो ली थी, बट वाओ नाइस। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए शूट कर रहा था, मैं भूल गया कि लॉन्ग वीडियो भी कर रहा हूँ। कुलचे मैं खा गया, इसमें ब्राउनी है और इसमें जो है नॉर्मल सा स्प्राउट्स ना है, बट ये छोले जो है एक नंबर है यार। देखो मस्त छोले हैं, ये अच्छे हैं, बट ये बहुत फीका है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट खाना लाजवाब है भाई। भाई ये दोनों आइटम भी बहुत सही है, मैंने किसी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई विल गेट अ ब्राउनी इन एरिया, बट मैंने खा के देखा। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, बट इट इज गुड इन फ्लेवर, थोड़ा सा ना चाट बनाने की कोशिश है। खा गया मैं सब, इट इज़ अ गुड कॉम्प्लीमेंट्री फूड फॉर मेरे क्या टू द कस्टमर्स। चल सीधा लैंड होता है, खाना तो यहाँ से हट चुका है, आँख भी हो चुकी है पूरी, ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड बेस्ट आई एम हैविंग अ गुड कप राइट नाउ। ट्विंकल कर रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे लाइट्स। मस्त खाया पिया और नींद मारी है एरोप्लेन में, और पहुंच गए केरला। वो बारिश हो रही है बट बाहर बहुत ज़्यादा फुल बारिश है। भाई मेरा वाला खाना तो अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली नॉन वेज वालों का खाना बहुत ही घटिया था, मेरे को सुनने में आया है। सही में बहुत ज़्यादा घटिया था। नॉन वेज में अब मैंने नॉन वेज खाया नहीं था, वेज ही खाया था, तो वेज वाला तो मेरे को पसंद आया। छोले कुलचे थे मेरे पास, अच्छा खासा क्वांटिटी था, बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइम देखना फिर। ओ भाई साहब नया पैक तो बढ़िया लग रहा है मेरा। रेस्टरूम यूज़ कर लिया, अब चलते हैं बाहर। ये बहुत सुंदर लगता है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि का, है कि नहीं? ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा है, बट बढ़िया बढ़िया ही है, मेंटेनेंस भी है भाई। So officially, my fellow friends, we are stepping into Kerala. Yes, we are back in Kerala. Yeah, बारिश हो रही है, बारिश से हमारा वेलकम हुआ है। अपन लोग जाएंगे इस पे, यहाँ पे अंकल आए लेने के लिए हमें। और ये रात के करीब 12 बजे डिनर चल रहा है हमारा, मस्त चावल है, दही है, ये बीन्स है, ये फ्राइड मछली। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे निकाल निकाल दी खाने। सर लगा ना विंडो में, 3 घंटे लगे मैं एयरपोर्ट से घर तक पहुंचने के लिए, अलग ही लगे जस्ट। और ये हेवन लग रहा है इस टाइम ये खाना, बेस्ट खाना अब लोग। हां मजा आ रहा है। गुड नाइट गाइस, कल सुबह होता है। सी नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह हो गई, एंड ये था वो घर जिसमें कल स्टे कर रहा था हम। ओ कल रात का अलग ही एक सीन था, डैड वहां पे आ गए बोरे। तो सेकंड डे स्टार्ट्स विद एनजी हेक्टर, सनरूफ है यार, बढ़िया लग रहा है, गाड़ी तो बढ़िया है। सीधा गए ना घर पहुँचेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, नींद बहुत तेज आ रही है।
यहाँ पे मस्त परोटा लग रहा है। आएंगे सर, शुरू करूँगा मैं आप लोगों को। देखो मेरे घर के जस्ट सामने घर के साइड का एरिया एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल आवर होम। अंदर से मैं जब बन जाएगा तब दिखाऊंगा, अभी फिलहाल यहाँ से देख लो आगे का व्यू और वहाँ का व्यू नेक्स्ट लेवल है। घर का सबसे प्यारा एरिया ये देखो, बारिश के टाइम भी इतना सुंदर लगता है ना ये। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ और मस्त मजे से लहरते रहो। नहीं तो लेट, नहीं तो लेट भी जाओ, मैं तो ऐसे बैठ के घूमता रहता हूँ, अच्छा लगता है।